आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे सुजुकी की जिक्सर बाइक। हम आपको सुजुकी की जिक्सर बाइक के इग्निशन को ऑन करके दिखाते हैं कितना साउंड जाता है। टीवी का अभी नॉर्मल हिस्सा आ रहा है। इसमें तो कुछ ज़्यादा साउंड ही नहीं। पास लाइट में यूज हो रही है। सुजुकी जिक्सर बाइक में सिंगल हॉर्न है, इसका हम साउंड सुनाते हैं आपको कितने डीबी तक जाता है। एक बार फिर अब हम आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे कि इसका साउंड कितना तक जाता है, कितने डीबी तक। अभी देखिए नॉर्मल इतना साउंड आ रहा है। इंजन किल स्विच है, की लगती है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर ऑन। ऐसा है किस चीज़ का मीटर, डिजिटल कंट्रोल। फ्यूल आरपीएम न्यूट्रल किलोमीटर ट्रिप मोड सेट्स न्यूट्रल एबीएस की लाइट इंडिकेटर शो करेगी। यहाँ पर सामने साइड का साइड और साइड का साइड और इसमें टाइम शो करेगा।
कितना टाइम हो रहा है, इंडिकेटर ऑफ। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, अपने फ़ोन के साथ आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पर दिखा देगा कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी है, मैसेजेस कॉल्स यहाँ पर शो करेगा। अभी इसमें फ़ोन कनेक्ट नहीं है तो इस करके स्पेस खाली है, और तो स्टार्ट करके आरपीएम दिखाते हैं हम आपको। इसमें एक फीचर है, जैसे अभी देखिए टीवी ऑन है और हम यहाँ से कील स्विच भी ऑन कर देते हैं और हम इसको सेल्फ को प्रेस कर रहे हैं, मगर स्टार्ट नहीं हो रही भाई। देखिए न्यूट्रल भी है, तो हमें पहले इसमें क्लच को प्रेस करना होगा, उसके बाद हम सेल्फ को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। देख लिए, ये क्लच प्रेस कर दिया है और क्लच साइड से छोड़ दिया और बाइक स्टार्ट हो गई। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। देखिए हम प्रेस कर रहे हैं, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्लच दबा के हमने स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट हो गई। और ये देखिए अब हम बिना ऊपर से छेड़े साइड स्टैंड नीचे करेंगे और ये बाइक ऑफ हो जाएगी। गियर डालते ही देखिए गियर में है, तो बाइक साइड स्टैंड कट ऑफ हो गया इंजन। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसे आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में होगी तो यूज़ नहीं होगी, किसी भी गियर में स्टार्ट नहीं होगी। काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें, इससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर गियर में रही बाइक तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो उससे आगे भी नहीं बाइक जाएगी और एक्सीडेंट होने का भी खतरा नहीं है। ऐसी है उसकी फ्रंट लाइट, हेड लाइट, ये है जैसे कि टेल लाइट फुली एलईडी। ये देखिए आपको दिखा रहा है कि सेकंड गियर पे है, ये हम फर्स्ट गियर, ये आगे न्यूट्रल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रॉयल इनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 बाइक का इग्निशन साउंड, ऑन साउंड, एग्जॉस्ट साउंड। अब हमें सर बताएंगे बाइक के फीचर्स, प्लीज सर। सर पहले तो इसका एनालॉग डिजिटल मीटर है, ठीक है सर, ये विद गूगल नेविगेशन विद आपको इस बाइक में मिलेगा इन बिल्ड, ठीक है जी। और यहाँ से हम इग्निशन को ऑन करते हैं एंड देन इसके पार्किंग लाइट्स, इसके हैजार्ड लाइट जिसको बोलते हैं, वो आगे पीछे के जो फॉग में बारिश के टाइम पे हाईवे का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हैजार्ड स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड आते हैं, तो इस टाइप की लुक है इसकी। अब दोबारा हम सर के पास चलते हैं। यहाँ से इसके ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे शो होंगे जब आपकी बाइक स्टार्ट करोगे आप, जैसे EFI सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होता है, ठीक है सर। उसके शोवा के शॉकर्स हैं इसके, जो टॉप 5 में ब्रांड्स में कंपनी आती है शोवा के, ठीक है सर।
और इसका ये हाई बीम लो बीम ये इंडिकेटर नॉर्मल है, आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो एंड देन सिंगल बीम, ठीक है सर। और ये हॉर्न है, उसका मोबाइल चार्जर इसका इसके अंदर होता है लेफ्ट साइड पे, वो हमें सर बाद में दिखाएंगे, पहले इसके फीचर्स कवर कर लेते हैं। ये वाला फीचर ये आई स्मार्ट बटन है जिससे आप टाइम टूम सेट कर सकते हो अपने बाइक का, ट्रिप मीटर ज़ीरो कर सकते हो। इसमें स्लीपर क्लच आता है जी, ये आप एडजस्टेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लूज टाइट आपके अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको यहाँ पे दूर लॉन्ग पास में करना तो आप इजीली सेट कर सकते हो यहाँ। और इसमें आप बता दीजिए क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। फ्यूल इंडिकेशन हो गया जी, ये आपका इंजन का हो गया साइन, ABS, बैटरी एंड फ्यूल। इसमें हाफ आपको एनालॉग मिलता है और हाफ डिजिटल मिलता है, ठीक है जी। मैं आपको ये फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है, फ्यूल फिल कराओगे तो फुल दिखा देगा यहाँ पर, ये आपको गेयर शो करेगा इसमें किलोमीटर, ये ट्रिप कौन से में आ रही है, ये टाइम आपका दिखा रहा है, तो काफ़ी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। इसका जैसे आप यहाँ से आपने क्लच देखा था, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, दूर कर सकते हो अपने हैंड के अकॉर्डिंग जहाँ आपको कंफर्टेबल रहता है, एंड देन बोथ आर सेम फॉर हैंड ब्रेक ब्रेक, दोनों साइड आपको राइट एंड लेफ्ट में एडजस्टेबल गियर लीवर मिलते हैं, क्लच मिलते हैं, आप चेक देख सकते हैं। अब हम आपको बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, प्रेस करके दिखाते हैं आप, आप कमेंट करके बताएं कितना लाउड गया। बाइक में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है, अब आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, बाइक को स्टार्ट इग्निशन ऑन किया है, बाइक स्टार्ट करते हैं सर। देख सकते हैं रेडिएटर लगा हुआ है, फैन की स्पीड भी आ रही है। बाइक को हम स्टार्ट करके थ्रॉटल देंगे कि एग्जॉस्ट नॉट कितना हाई जाता है, एवी मीटर देखिए आप नॉर्मल कितना आ रहा है, बाइक को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सर को बोलेंगे थ्रॉटल दीजिए,
कमेंट करके बताएं हाईएस्ट डीबी साउंड कितना गया। डीबी लॉस्ट सुपर मेटियोर 650। बाइक में आपको टेल लाइट पूरी फुल एलईडी मिलती है, इसमें आप देख सकते हैं हैलोजन इंडिकेटर है और हज़ार स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। और सिंगल हॉर्न सिंगल इंडिकेटर ऑन करेंगे, ये लेफ्ट साइड राइट साइड का करेंगे, राइट साइड का इस टाइप की लुक है। बैक लुक फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलती है, आप देख सकते हैं इस टाइप की है। डीआरएल्स ऑन है। बाइक को स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं फुल लाइट ऑन हो गई है। हाई बीम करेंगे या हाई बीम लो बीम पास का आप देख सकते हैं इस टाइप की लुक है इसकी बाइक की। फ्रंट लाइट हजार स्विच ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं फ्रंट से राउंड शेप में फुली एलईडी है और आपको हजार स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिल रहे हैं और आपको इंडिकेटर हैलोजन बल्ब हैं साथ में लगे हुए। सिंगल सिंगल करके दिखाते हैं आपको, लेफ्ट साइड राइट साइड इस टाइप का है कुछ ऐसा लुक। इंडिकेटर ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ करेंगे सर, ऑफ करने के बाद कुछ इस टाइप की दिखेगी बाइक में। राइट लेफ्ट साइड को आपको दिखाते हैं आपको क्या मिलता है। यहाँ से ओपन होगा, इसमें आपको क्या क्या फीचर क्या क्या मिलते हैं सर? ये आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है। ये गाड़ी की टूल किट होती है, ये टूल किट है सर। और ये गाड़ी के फ्यूज होते हैं जो, ठीक है, सेंसर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट आएगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, हम चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं। इस टाइप ऐसा है, उसको लॉक कर दीजिए। साइड का जो है ये ओपन नहीं होता है, बस खाली ऐसी है और लेफ्ट साइड का ओपन होके हमने दिखा दिया है। और इसमें आप कैरी कर सकते हैं कुछ भी, सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, कुछ अपना बैग कर रख सकते हैं, कुछ छोटे हुए सामान, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के इसके इंजन के फुट रेस्ट हैं। काफ़ी अच्छी ग्रिप है, रबर काफ़ी अच्छी है, राइडर के लिए भी फ्लेक्सिबल फुट रेस्ट मिलते हैं। स्पोर्ट भी है कि हीटिंग ना हो, यहाँ पर आपका ऐसे पैर आएगा तो गर्म ना लगे। और ब्रेक भी आपके काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, काफ़ी अच्छी पैडिंग है, ये आप देख सकते हैं। और जैसे बाइक अगर स्लिप होती है गिरती है तो ये फ्लेक्सिबल हैं तो इस करके फोल्ड हो जाएंगे, तो आपका पहले बाइकों में था टूटता था, अभी देखिए। और रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग भी है तो आप काफ़ी अच्छी लुक है इसकी, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही इलियन के लिए फुटरेस्ट मिलते हैं, रबर काफ़ी अच्छी है, कुछ नहीं। इस साइड भी गेयर लीवर्स ये आप देख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग और काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है यहाँ पर रखने के लिए पैर। ये है कुछ इसका इंजन का लुक और अलॉय डिस्क फ्रंट एंड रियल में ड्यूल डिस्क में आती है, ड्यूल एग्जॉस्ट नोट है। शॉकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं फ्रंट में, शोभा के काफ़ी अच्छे शॉकर्स हैं। सीट्स भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ड्यूल सीट और सिंगल सीट। सर ये सिंगल सीट भी हो जाती? सर कह रहे हैं सिंगल सीट भी बन जाती है, आपने अगर यूज़ ना करनी हो तो आप निकाल सकते हैं उसका सिंगल सीट। ये आप देख सकते हैं सिंगल सीट हो जाएगी, यहाँ से स्क्रू दे रखे हैं, ये खोल के आप सिंगल सीट बना सकते हैं। बाइक में आपको E20 फ्यूल स्पोर्ट मिलता है, सर हमको बताएंगे कि ओपन कैसा होता है फ्यूल टैंक।
से फ्यूल ओपन करके फुल फिल कर सकते हैं टैंक को, क्लोज करते हैं, क्लोज हो गया और 650 का A20 पेट्रोल के साथ। इस टाइप की है रॉयल इनफील्ड की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक ऑफ ऑन इग्निशन। इस टाइप से सर बताएंगे कैसे कि लॉक ऑन कीजिए और इग्निशन ऑन होके बाइक ऑन स्टार्ट करके और आप राइड पे जा सकते हैं। बाइक में आपको दोनों साइड कैरियर मिलते हैं छोटे से, जिसमें आप अपना पॉलिथीन को सब्जी या कुछ रख सकते हो। इस साइड साड़ी गार्ड मिलता है, और ये अपना स्टैंड लगाने के लिए भी आप देख सकते हैं, स्टैंड से उतारने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी, यहाँ पर सामान रखने के लिए। अभी हमको सर बताएंगे स्टैंड, अगर हमने ड्यूल स्टैंड से उतारनी है तो कैसे उतारेंगे सर। आप देख सकते हैं ये देखिए ऐसे, और आपने स्टैंड भी अगर बाइक को चढ़ाना है तो यहीं से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाइक में ड्यूल स्टैंड में आप लगा सकते हैं बाइक को, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है, इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी। और साइड गार्ड साड़ी गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है सर। ये एसेसरीज़ में आता है कि कंपनी से आ रहा है? कंपनी से फिटेड आ रहा है, इसलिए एसेसरीज़ आपको अलग से परचेज नहीं करनी, आपको साथ में ही है बाइक में। ये भी साथ में है, ये भी, इस साइड भी आपको साथ में ही मिलेगा। ड्यूल स्टैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हैं आप नीचे से, और साइड स्टैंड यहाँ से आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप यहाँ से पैर लगा के साइड स्टैंड लगता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे दे रखे इंजन। आज हम आपको दिखाएंगे होंडा की CV 350 RS। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। इग्निशन ऑन करते हैं, इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, इसका हम डीबी साउंड चेक करके बताते हैं आपको। इसका हॉर्न का डीबी साउंड चेक कराएंगे, कितने साउंड कितने तक हाईएस्ट जाता है। देखिए अभी नॉर्मल कितना आ रहा है, देख सकते हैं आप कितना हाई गया इसका डीबी साउंड। आप कमेंट करके बताएं हाईएस्ट कितना गया। ऐसा है इसका कुछ एग्जॉस्ट, और हम एग्जॉस्ट नोट चेक करते हैं कि कितना डीबी तक जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है डीबी साउंड, इसको हम नीचे साइड में रख देते हैं। यह है इसका इंजन किल स्विच, ये स्टार्ट बटन, हजार्ड लाइट, और दूसरी साइड चलते हैं। यह है पास हाई व्हील लो व्हील, ये आपका हॉर्न इंडिकेटर, न्यूट्रल ABS, ये आपका सर्विस रिमाइंडर। ऐसा है इसका कुछ छोटा सा डिजिटल और कुछ एनालॉग स्पीडोमीटर। हम आपको
अभी ऑफ करते हैं, फिर इसको थोड़ा ऑन करके चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या शो होता है। न्यूट्रल गियर शो हो रहा है, फ्यूल का, टाइम, रेंज अभी देख सकते हैं आप, दिन में विजिबिलिटी कितनी है इसकी। चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। इग्निशन ऑन हो गया, दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मली कितना आ रहा है डीबी साउंड, और जब बाइक स्टार्ट थी तो पहले कितना आ रहा था उस टाइम, आप कमेंट करके बताएं कि उस वक्त कितना डीबी साउंड स्टार्टिंग साउंड था। हम आपको इसका इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं कितना डीबी साउंड जाएगा। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया, देखिए। हाँ जी स्टार्ट कीजिए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कितने डीबी तक जा रहा है। देख सकते हैं नॉर्मल कितना आ गया, आप देख सकते हैं फुली एलईडी हेडलैम्प है बाइक का, और इंडिकेटर्स भी फुली एलईडी है। देख सकते हैं हजार्ड स्विच है, ऑलरेडी कंपनी पहले से ही दे रही है बाइक में, और कितना अच्छा लग रहा है इंडिकेटर्स दोनों ब्लिंक होते हुए, और इसकी पीछे की टेल हेडलैम्प है फुली एलईडी।